सुक्रिया, अभी हम पटना के दो लोकसभा क्षेत्रों के बॉर्डर पे हैं, यानी पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में। नेताओं की तरफ से लगातार बातें हो रही है, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जनता जनार्दन क्या सोच रही है? सबसे खास होता है चाय पे चर्चा, क्योंकि चाय की दुकानों पे उन तमाम मुद्दों पे चर्चा होती है जहां से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, यानी जब नेता हुंकार भरते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करते हैं तो जनता इस बात की चर्चा करती है। पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा के एक बॉर्डर इलाके में चाय की दुकान पे हैं। हम चाय दिखाएंगे कि किस तरह से चाय की तैयारी चल रही है, और ये जनता जनार्दन इन चाय की चुस्की के साथ जो चर्चा करेंगे, हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह से राजनीति पे चर्चा होगी। और चाय बनकर तैयार है, और ये जो यहाँ चाय पीने वाले लोग हैं इन्हें चाय दिया जाएगा और चुस्कियों के साथ चर्चा करेंगे। अगर इस बात की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर आप वोट करने को तैयार हैं? इसलिए कि मोदी जी से अच्छा कोई दूसरा नेता नहीं है, और हमने तो 2013-14 में ही बता दिया था कि मोदी जी साधारण इंसान नहीं हैं, वो एक युग पुरुष हैं। आज भले ही कोई उनको न माने, लेकिन कल उनको सारी दुनिया मानेगी, और आज दुनिया मान रही है। मोदी जी को दुनिया मानेगी, सहमत है? मोदी जी एक बड़ा फैक्टर। जी जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बाबा बुजुर्ग है, इनको सोचना चाहिए कि इनका जो रेलवे किराया है मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है, उसके बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। और महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, यहाँ की मेन मुद्दा है, जो उस पर कोई बात नहीं करता है, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की बात करता। मैं बक्सर लोकसभा का उम्मीदवार हूँ, मेरा नामांकन कैंसिल हो गया है। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ आम लोगों से हम बात करते हैं। क्या लगता है इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और जो लोगों नेताओं के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसमें सबसे हॉट मुद्दा क्या है, और किस आधार पर आप वोट करेंगे? देखिए, जनता विकास की मुद्दा होना चाहिए, रोजगार का योजना होना चाहिए, हर तरह का सुविधा का योजना होना चाहिए। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गांव में नल जल योजना, बेटी पढ़ाओ योजना, उसके बाद आपको स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, हर घर बिजली लगातार 24 घंटा, रोजगार को बेरोजगारों को नौकरी देना सरकार का जो दायित्व होता है। माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिल के ये बहुत ही अच्छा काम किया कि हमारे देश के बेरोजगार रोजगारों को नौकरी दिया, रोजगार दिया। उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री विकास योजना, ऐसे तमाम योजना है। इसलिए अब फिर मैं विकास के मुद्दे पर वोट देगा सब जनता। विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। चाचा, आप बुजुर्ग आदमी हैं, पॉलिटिक्स को लंबे अरसे से देख रहे हैं, कई पार्टियां यहां का प्रतिनिधित्व की, पटना के अगर प्रतिनिधित्व करने की बात करें, पहले तो एक लोकसभा क्षेत्र था, अब दो हो गया है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। वर्तमान में जो सांसद हैं संतुष्ट हैं या और उम्मीद है, और आपके लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता दिगंबर नेता को मैं अपना संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, बिहार ही नहीं समूचे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपना सबके साथ सबका विकास और ये विकासात्मक कार्यों का जो इन्होंने एक लंबा लिस्ट बना दिया है, और उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में उनको इस कार्यों को करने, विकासात्मक कार्यों को करने के लिए जो उन्होंने दोनों मिलकर के, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, दोनों मिलकर के जो काम किया है, बिहार तो आज समझिए कि जो ये स्वर्णिम युग में पहुंच गया है। बिहार स्वर्णिम युग में। कुछ और लोग से बात करते हैं, क्या लग रहा है जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, संतुष्ट हैं? इस चुनाव में आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? राष्ट्रवाद। क्यों राष्ट्रवाद क्यों मुद्दा होना? राष्ट्रवाद, देखिए, राष्ट्र है तभी विकास होगा, और जब तक राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होगा विकास का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र जब तक सुरक्षित नहीं होगा, आपने कहा कि मुद्दा क्या है, सिर्फ एक ही मुद्दा होना चाहिए, राष्ट्रवाद। और अभी जो पार्टियां क्षुद्र स्वार्थों से पर आधारित जो राजनीति कर रही हैं, और जनता का ध्यान बेरोजगारी और डेवलपमेंट के मुद्दे से हटाना चाहती हैं, ये पार्टियाँ राष्ट्र के हित में नहीं कार्य कर रही हैं, राष्ट्र के हित में नहीं कार्य कर रही हैं। तो मेरा मानना है कि राष्ट्रवाद ही मुख्य मुद्दा होना चाहिए,
और राष्ट्रवाद के बड़े कैनवास के अंदर ही विकास भी समाहित है, सम्मिलित। क्या समझ रहे हैं तेजस्वी यादव जो रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं या फिर जो संतुष्ट हैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर, ये सब बात होनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी का तो आरोप है कि बीजेपी मुद्दे को डाइवर्ट कर दे रही है। हाँ, डाइवर्ट कर रही है, छल कर रहे हैं मोदी जी, बेरोजगारी पर, महंगाई पर बात नहीं करते हैं, छल तो किया जा रहा है। इस बार के आपके क्या ये भारत में युवा को छल किया गया, 2 करोड़ नौकरी के झांसा दे करके इन्होंने सरकार में आए, सरकार में आने के बाद लोगों को बेरोजगार बना दिए, ये तो बहुत बड़ा छल हुआ है। जिस उम्मीद से यहाँ के युवा लोग उनको लाया, लेकिन वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरे मोदी जी। मोदी जी उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरे, रोजगार एक अहम मुद्दा है, चाय भी आ गया है इन लोगों के लिए, चाय बनकर तैयार है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ। विजय जी, क्या चर्चा हो रही है पॉलिटिक्स पे, और आप तो यहाँ से फीडबैक लेते रहे हैं कि क्या आम जनता चर्चा कर रही है? देखिए, देश की 140 करोड़ जनता फिर से चाह रही है कि नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बने। वो लोग चाह रहे हैं कि इनके सिवाय देश में कोई है नहीं जो जनता का विकास करे, देश का विकास करे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए कल्याण हेतु, बुजुर्गों के लिए कल्याण हेतु जो काम किया है वो अतुलनीय है। आप सोच सकते हैं कि 70 वर्ष की उम्र होने के बाद घर से बेटा बेटी भगा देता है, लेकिन उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया है कि 70 साल के बाद किसी भी बड़े हॉस्पिटल में देश का आप इलाज करवा सकते हैं। इसी प्रकार गरीबों के लिए 5 लाख का कार्ड हर जगह दिया है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 25 करोड़ युवा ओवर एज की वजह से बर्बाद हो गए और इस ओर प्रधानमंत्री का कोई ध्यान नहीं है, जवाब देना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी को अपने घर से, अपने परिवार से फुर्सत कहाँ है। वो तो नीतीश कुमार जी इनके साथ आ गए थे तो इतना लोगों को नौकरी मिला। आज तक 15 साल की इनकी शासन काल था तो क्या वो नौकरी देने का काम किए थे? ये तो जो भी नौकरी दिए वो जमीन लिखवाने का काम किए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तेजस्वी यादव को कम से कम बेरोजगारी पर नहीं बोलना चाहिए। ये बिहार की जनता सब समझ रही है। देखिए, बिहार में हम लोग 400 को 400 जीत रहे हैं और देश में 400 से अधिक हम लोग सीट जीतने वाले हैं। परिवारवाद कितना बड़ा मुद्दा है? आरोप लगता है कि तेजस्वी यादव सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं, जनता की बात करते ही नहीं। सर, परिवारवाद मुद्दा तो नहीं है, इसलिए कि भारत में बहुत सारे नेता लोग जो हैं उनके अगला जनरेशन जो है राजनीति में आए हैं और राजनीति में लोग काम कर रहे हैं, तो ये पारिवारिक जो मुद्दा है ये तो सही नहीं है। पारिवारिक मुद्दा सही नहीं है, पारिवारिक मुद्दा सही नहीं है योगी जी? हाँ, परिवारवाद बिल्कुल एक मुद्दा है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था और 1989 में लालू जी मुख्यमंत्री बने थे, उनका एक प्रसिद्ध जुमला था, वो जमाना गया जब रानी के पेट से राजा पैदा लेता था। आज पुनः रानी के पेट से राजा पैदा ले रहा है और हमें इसका विरोध करना है। ये मिनट और दे, लालू यादव इस राज्य के सबसे बड़े सामंत हैं। जिस सामंत शाही के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, आज पुनः सामंत एक नया चेहरा, नया मुखौटा लेकर आज बैठा हुआ है 10 नंबर में। हमें उसे हटाना है, हमें उसे हटाना है। क्या समझ रहे हैं, परिवारवाद एक मुद्दा है? ना, हमारे समझ से परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए दवाई, सिंचाई, कमाई, पढ़ाई। मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा देश विकसित और समृद्ध देश बनने जा रहा है, तो कैसे समृद्ध बनेगा? इसमें 80 करोड़ लोग का 5 किलो राशन देके मन से भाषण करते हैं कि भाई एवं बहनों, हमने 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो राशन देने का काम कर रहे हैं, तो हमको सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि 5 किलो राशन से हम कैसे निपटें। उनको अच्छा शिक्षा दें, अच्छा रोज़गार दें, अच्छा दवाई दें, अच्छा कमाई दें, चूँकि 5 किलो के लिए आपके यहाँ लाइन में नहीं लगे। ये मुद्दा ये होना चाहिए, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मुद्दा आप लोग जो चर्चा कर रहे थे परिवारवाद का, परिवारवाद भी जनता के बीच में जा रहा है और फाइट करके आ रहा है, उसको जनता चुन रही है। और हमारे देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। वो राजतंत्र में होता था कि आप राजा के बेटा हैं तो विरासत आप ही को मिलेगा। यहाँ तो भाई राजा का बेटा भी है तो चुनाव मैदान में जा रहा है, लड़ के जीत रहा है, हार रहा है। आप सहमत हैं परिवारवाद पे जो इनका तर्क है? जी नहीं, सुनिए, मैंने शुरू में ही कहा कि इस चुनाव का अगर मुख्य मुद्दा कोई होना चाहिए था तो राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के साथ जो है हमें उनके साथ जाना चाहिए था, और जो राष्ट्रवाद के साथ नहीं है हमें उसका विरोध करना चाहिए था। और
गांव में कहावत है, राजा राज ला बिहाल, रानी पेट ला बिहाल, नहीं समझे? जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, जो लोग क्या कहते हैं ये की बात कर, रोजगार भी एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है। हमें आज भारत का के मुकुट का एक हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में, हमें उससे छुड़ाकर भारत के कब्जे में लाना है, ये विषय होना चाहिए। मतलब पीओके एक मुद्दा है, यूसीसी एक मुद्दा है, एनआरसी एक मुद्दा है, हमें मूल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और राशन और रोजगार ये सब बहुत छोटे, बहुत बहुत गौन गौन चीज़ें हैं। ये मोदी जी के जो मुद्दे हैं, क्या ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने मुद्दों को आगे किया है उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक बार पूछा था कि हमको क्या करना चाहिए, हम कहे कि आने वाले दिनों में आप जो करना चाहते हैं पहले उसको पब्लिक के बीच में डालिए, और उस पर काम हो रहा है। कल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा का बयान आया कि हम 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि अभी हमको कृष्ण जन्मभूमि को बनाना है, बनारस का जो महादेव का मंदिर है उसको बनाना है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? वो तो उनका उनकी मांग जायज़ है, और हम असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके विचारों से, व्यवहार से हम परिचित हैं और जानते हैं कि वो अच्छे सोच वाले आदमी हैं, अच्छी सोच के इंसान हैं। पहले मुद्दा रोजगार का, आरक्षण का, उसके बाद संविधान खतरे में है इसकी हुई, और जब बीजेपी ने इसका जवाब दिया, कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस इस तरह की रणनीति पे काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जिस अंदाज में ST OBC के आरक्षण काट के मुसलमानों के देने का हवाला दे के जनता में मैसेज दी है, उसका क्या प्रभाव है आपके दिलो दिमाग पर? देखिए, फिलहाल इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। क्या लगता है कि जो आरक्षण के मुद्दे को डायलूट की बीजेपी, कही कि जो ST OBC का आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, क्या जनता कन्विंस्ड हुई है? देखिए, जनता कन्विंस हुई है नहीं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तेजस्वी यादव का है, संविधान तो खतरे में है नहीं। और ऑब्जेक्टिव जो है इस चुनाव का, लोकसभा चुनाव का, ये है प्रोजेक्ट कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे देश उन्नति करे। 10वां स्थान था इकोनॉमिक में और हम तीसरे 5वें स्थान पर आए इकोनॉमिक सेटअप, और हम 3 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमिक सेटअप हुई, आर्थिक व्यवस्था, और हम और 5वां, और हम 3 पोजीशन में जाने वाले हैं दुनिया में। डेवलप्ड कंट्री आज हमारी ओर देख रहे हैं। हम मतलब जो मोदी जी दिखा रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट, देखिए मोदी जी दिखा रहे हैं दो चीज़ दिखा रहे हैं, एक पॉलिटिक्स है और दूसरा पॉलिटिक्स के द्वारा डेवलपमेंट है, दोनों चीज़ दिखा रहे हैं, और दोनों चीज़ इस देश को ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है, देश की सुरक्षा भी, डिफेंस भी। कल तक हम लोग डोजियर भेजते थे पाकिस्तान कि देखो जी मार रहा है, हमको बचा लो, इंडिया US में जाते थे मनमोहन सिंह, मोदी जी ने कहा ये लव लेटर नहीं चलेगा, मोदी जी ने दिखाया। अभी देखिए कौन कटोरा लेके घूम रहा है, और उसको मिल भी नहीं रहा है, 5 पैसा 54 भी नहीं मिल रहा है। तो यस, मोदी जी कुछ नहीं किया, मोदी जी एक पैसा भी पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलते हैं। चाइना छटपट कर रहा है, देख रहा है कि ये एशिया महादेश में ये हमसे बढ़कर इंडिया आगे बढ़ रहा है। G20 करके मोदी ने सबको, चाइना को स्टंट कर दिया, और पूरे दुनिया को दिखाया कि कमिंग डेज में इस लेटर 21st century के बाद इंडिया इज गोइंग टू बी ए सुपर पावर, क्लोज टू द सुपर पावर। समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पब्लिक है, सब जानती है, चाहे मुद्दे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, पब्लिक को सब पता है। क्या लगता है पाकिस्तान एक मुद्दा है इस चुनाव में? पाकिस्तान खत्म है, पाकिस्तान तो गया। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दे को डाइल्यूट कर रही है, भारत पाकिस्तान कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, राम मंदिर कर रही है, शिक्षा पर, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं कर रही। तेजस्वी यादव पहले अपना संभालें, अपने आप को सही लाएं, जो नेता का फर्ज होता है वो निभाएं, वो तो कुछ करते नहीं हैं, लालू जी के नाम पर चल रहे हैं, कई दिन चले गए। क्या लगता है जो पॉलिटिक्स में आप बदलाव के दौर देखे हैं, अब जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं या जो जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदेहियों का निर्वहन कर रहे हैं, पहले और अब में क्या अंतर? काफ़ी अंतर है पहले में और आज में, खास करके NDA गठबंधन की सरकार में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जवाबदेही के साथ जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने पार्षद हैं, अपना कर्तव्य को निर्वहन करते हैं NDA के लोग। और कल जो था,
आप आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, पूर्णतः विपक्षों का राजनीतिक ये स्टंट है। न भारत का संविधान कभी बदला जाएगा, समाप्त होगा, और न आरक्षण किसी माई का लाल है जो आरक्षण को बदल सकता है। ये कुल ये मात्र एक वोट लेने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं, और हिंदू मुसलमानों का राजनीति ये लोग तुष्टिकरण के विपक्षी लोग करते हैं कि जो मुसलमानों को वोट का ठग करके लेने के लिए ये लोग नाना प्रकार के प्रवंचना करते हैं और मुसलमानों को भरवाते हैं। आज 370 हटा, 3 तलाक हटा, ये कोई माई का लाल ये साहस नहीं कर सकता था। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, बीजेपी का कहना है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपके पैसे लेकर मुसलमानों के बीच बांट दिया जाएगा। ये कन्विंस करने की कोशिश बीजेपी के नेताओं ने की, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? ये बीजेपी का कहना है या बीजेपी का नहीं, कुछ बातें जो देखिए आप, ये पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें कुछ बातें सिर्फ पॉलिटिकल हैं, कुछ बातें नॉन पॉलिटिकल हैं, कुछ बातें में सब्सटेंस है, पॉलिटिकल सब्सटेंस है, कुछ बातों में पॉलिटिकल सब्सटेंस नहीं रहता है। तो सब बात को लेके कंटेंट एक नैरेटिव सेट कर देना वो भी ठीक नहीं है आप लोगों का। आप लोग जो इशूज़ नॉन इशूज़ को इशू बना देते हैं, जो इशूज़ है उसको नॉन इशू बना देते हैं। तो इसमें आप लोग की भी भागीदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी समझिए और उस हिसाब से उस कंटेंट का उसके नैरेटिव्स को आगे बढ़िए। आरक्षण चाहे रोजगार का कंसर्न है, यहाँ पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर देंगे चाहे संविधान खतरे में। तेजस्वी बाबू, संविधान को आप थोड़ा पढ़िए और संविधान को समझने की कोशिश कीजिए। संविधान और कोई खतरे उतरे में नहीं है, आपकी वजूद, आपकी पॉलिटिकल वजूद खतरे में है। आपके अनुसार बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पे जनता वोट कर रही है और सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है? देखिए, विपक्ष के तरफ से मुद्दे को डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है, बेरोजगारी आदि आदि। लेकिन मेरा मानना है कि आज भी राष्ट्र के जो मूल मुद्दे हैं, जो अनसुलझे मुद्दे हैं, जो 70 वर्षों से पेंडिंग में पड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सुलझाकर ही यह राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, उन मुद्दों पर ही बिहार वोट करेगा। और जहां तक संविधान ख़त्म करने की बात है, तो मैं विपक्ष के नेताओं से कहना चाहूँगा कि पहले वो अपने पार्टी का संविधान अपने पार्टी के अंदर ही लागू करके दिखा दें, बहुत बड़ी बात होगी। एक पंडित जी हैं हमारे साथ, आप आके आइए, आप भी चाय पीने आए हैं। आपको लग रहा है जब से आप पूजा पाठ कर रहे हैं 10 साल में मोदी के शासनकाल में कुछ बदला है आप में? बहुत कुछ बदला है। मोदी जी के राज में तरक्की हम देखे हैं, हमारे देश को तरक्की हुआ है और हम लोग सुरक्षा रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं, क्योंकि इतना सुरक्षा पहले नहीं थी। जब से मोदी सरकार आए हैं, नामुमकिन को मुमकिन किए हैं और हम लोग मोदी सरकार के ही पक्ष में हैं, मोदी सरकार को ही चुनेंगे। 10 साल से तो जो आप पूजा करा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, आप में क्या बदलाव हुआ? बहुत तरक्की हम भी किए हैं, हमको यहाँ सुरक्षा मिलता है, खाने पीने का सुविधा मिलता है, और जब से मोदी सरकार आए हैं तब से हमको ये सुविधा मिला है। क्या लगता है चाचा, अगर बिहार में मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और 10 साल में मोदी के शासनकाल में कुछ बदलाव आपको दिखा? पहले लंठाई बहुत होता था यहाँ, गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी, आजकल वो सब शांत है, ये एक मुद्दा है। और जब तक माहौल बढ़िया नहीं होगा, अच्छी सोच नहीं होगी, तो लोग अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। लगता है लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, हर लोग ये चाहता है। आप क्या देख रहे हैं? आप तो दोनों दौर देखे हैं, लालू जी का भी दौर देखे, नीतीश जी का भी दौर देखे, क्या आपको अंतर लग रहा है, और वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है या और सुधारने की जरूरत? मैं पैदल चलने वाला लोग हूँ, और जो आपने कहा ठीक ही कहा, मैं कल की राजनीति को भी देखा और आज की राजनीति को भी मैं देखता हूँ। मैं विद्यापति भवन में चेतना समिति का ज्वाइंट सेक्रेटरी था, वहाँ से जब रात में आते थे तो वुमेंस कॉलेज के पास में आकर के कहता था, लोग गाड़ी लगा करके बैठे थे किराए पर लोग, बाबा गाड़ी पर बैठिए ना, चलिए ना, पहुंचा देते हैं। हम लोग समझते थे ये लोग हैं। तो लोग, बहु बेटियां और आम जनता उस समय में सुरक्षित नहीं था, और आज निर्भीक होकर के बहु बेटियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, बाज़ार जाती हैं, घूमती हैं, कोई उसके ऊपर में नज़र उठा करके नहीं देख सकता है।
नजर उठा के नहीं देखता है। कुछ और लोगों से बात करें, बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ये एक बड़ा मुद्दा है, लगता है कि शांति चाहिए? देखिए सर, लॉ एंड ऑर्डर अगर गड़बड़ है तो सीधा सा संदेश है कि स्टेट फेल हो रहा है। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो उसके आधार पर तो वोट पड़ना ही चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है तो उसके आधार पर किसी जनता का जो राइट है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो मूलभूत एक प्रकार से उसका मतलब अधिकार है। आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे कि मुद्दे उठाते हैं, तेजस्वी यादव में क्या खास दिखता है जिसके आधार पर? तेजस्वी जी में खास कोई सा दिखता नहीं है, लेकिन उनका जो काम करने का अंदाज है, जो उन्हें 17 महीना और 17 साल बनाम जो काम किए थे, एक युवा में मैसेज गया कि हमारे यहाँ इतना रोजगार का सृजन था, सीट खाली था और उस सीट को भरा गया। इसी तरह से एक युवा में मैसेज गया कि तेजस्वी जी के साथ हम लोग रहेंगे तो कुछ रोजगार मिलेगा, कुछ उम्मीद होगा। और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। अंतिम कमेंट विजय जी, आप मुझे बताएं, जनता चर्चा कर रही है, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, हर पॉलिटिकल बयान पे चर्चा हो रही है, क्या स्थिति देख रहे हैं बिहार में? लेकिन बिहार की जनता और यदि समझ गई कि यदि सत्ता इनके हाथ में जाती है, यदि फिर से बिहार का में लोग हावी हो जाते हैं तो 15 साल का स्थिति खड़ा हो जाएगा। देखिए, देश की जनता या बिहार की जनता चाहती है कि अमन चैन, तो आज लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री, अमन चैन के साथ लोग रह रहे हैं। और साथ साथ ये भी देखिए कि बिहार का जितना विकास हुआ है, पुल पुलिया रोड जो बिहार के किसी कोने में रहिए, 4 घंटा में पटना आप चले आइए। आप देखते थे कि कभी गांव में लाइन रहता था, अब 22 घंटा लाइन रहता है। देख रहे हैं कि हर घर में नल जल योजना के साधन हो गए थे, किनका देन है? ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का देन है, डबल इंजन की सरकार है। और आने वाला समय में बिहार और देश कहां से कहां जाएगा, ये बिहार की जनता देख रही है। 140 करोड़ जनता चाह रही है कि इस देश का प्रधानमंत्री और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना रहे हैं। जनता जनार्दन तमाम मुद्दों पे चर्चा करती है, 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं, पटना में 2 लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 2 लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, एक पटना साहिब और दूसरा पाटलिपुत्र। 4 चरण में जन नेताओं के द्वारा जो भी बयान दिए गए हैं, चाय की दुकानों पे इस बात की चर्चा होती है, शायद यही वजह है कि भारत एक्सप्रेस की टीम चाय पे चर्चा करने यहाँ पहुँचती है और जनता से राय जानना चाहती है कि आखिर जो नेता बयान दे रहे हैं उसका मतलब क्या है और चाय की चर्चा पे किस तरह से विश्लेषण हो रहा है। तो इसी बात की पड़ताल के लिए भारत एक्सप्रेस की टीम पटना साहिब और पाटलिपुत्रा के बॉर्डर पे एक चाय की दुकान पे पहुंची और ये तय की कि आखिर जनता का मूड क्या है, और इसी मूड को भांपने के लिए भारत एक्सप्रेस की टीम यहाँ पहुंचकर लोगों की राय जानी। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।